राम मंदिर को भव्य रूप से देने का कारण रिपेयरिंग करने का काम करके दिए हैं। इन लोगों के लिए सिर्फ एक चीज है, एक मुद्दा इनके लिए, राम मंदिर, राम मंदिर। मैं उस चीज को किसी भी किस्म से राम मंदिर को ना मुद्दा मानता। अगर ये इसको सरकार की उपलब्धि के तौर पर गिनते हैं तो मैं बिल्कुल भी किसी किस्म से सरकार की उपलब्धि में नहीं गिनूंगा। राम मंदिर नहीं भी बनाता तब भी हम राम का नाम लेते थे, अब बन गया अब भी राम का नाम लेंगे। लेकिन इन लोगों के लिए राष्ट्र सर्वोपरि नहीं है, इन लोगों के लिए राम मंदिर सर्वोपरि है। मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं चाहता हूं कि राष्ट्र सर्वोपरि गिना जाए, ना कि मंदिर सर्वोपरि गिना जाए। सबसे तीन चीज किया है कांग्रेस अपने जीवन काल में, सिर्फ तुष्टिकरण, परिवारवाद, जातिवाद, इससे ऊपर उठ नहीं पाया। क्योंकि इन लोगों को सिर्फ एक पट्टी पढ़ा दी गई है, 2014 के बाद से ये लोग पैदा हुए हुए हैं। आज 10 साल के बालक हैं, तो 10 साल के बालक से आप कितनी उम्मीद कर सकते हो। तो इन लोगों की हालत वो 10 साल के बालक वाली है, जिसे पता कुछ नहीं है, बड़ी मुश्किल से उसे अपनी चेन बंद करनी आई है, बड़ी मुश्किल से उसे अपना नाड़ा बांधना है, लेकिन वो कह रहा है मैं तो बहुत बढ़िया इंसान हूं, मैं तो जेंटलमैन इंसान हूं। ये भारत तेरे टुकड़े होंगे बोला जाता था, आज अगर कहीं भी से भी आवाज आता है भारत तेरे टुकड़े होंगे, एक कांग्रेस वाले उनके गोद में जाके बैठ जाते हैं। जवाब इनके क्या आदमी, तो पूरी पूरी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पीएचडी स्कॉलर हैं। तो पहले का इतिहास नहीं पढ़ाया जाता, इन्हें सिर्फ ये पता जाता है मोदी जी एक आए, अवतरित हुए, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया। इनकी साफ साफ साबित हो गई है, भाई साहब एक कम्युनल आदमी है, इनको धर्म के चश्मे के अलावा और इन्हें कुछ नहीं दिखता। मोदी के परिवार पर क्या बोलेंगे? मोदी कह रहे 140 करोड़ की जनता मेरा परिवार है। बिल्कुल मैं उनका परिवार हूँ, बिल्कुल उनका परिवार है, एकदम सही कह रहे हैं जी। क्या बोलेंगे मोदी के परिवार पर? मैं तो शामिल नहीं हूँ। आप शामिल नहीं है? बिल्कुल नहीं हूँ। मोदी जी तो कह रहे हैं ना कुछ 40 करोड़ की जनता, कहते रहेंगे अगर कोई एक व्यक्ति आके कह देगा जी मेरे परिवार में तुम शामिल हो जाए, मैं तुम्हें अपना परिवार मानता हूँ, और उसके परिवार पे अगर हम नजर डालें तो पता चलता है कि उसके परिवार में बलात्कारी भरे हुए हैं, भ्रष्टाचारी भरे हुए हैं, और उसके हत्या के आरोपी भरे पड़े हैं, बला और अपहरण के बला डकैतियों के आरोपी भरे पड़े हैं उसकी परिवार में, तो मैं तो उस परिवार में कभी भी शामिल नहीं होऊंगा। बीजेपी के परिवार की हम बात करें तो बीजेपी के अगर हम संसद का इसका वो देखें आंकड़ा, तो 303 सांसद है आज बीजेपी के। उन 303 सांसदों में से 139 सांसदों के ऊपर हत्या, अपहरण, डकैती, बलात्कार के, इस तरह के जमीन कब्जाने के, दुर्व्यवहार के, धमकी देने के, इस तरह के सारे सारे संगीन मामले दर्ज हैं, तो मैं तो उसमें परिवार में बिल्कुल शामिल नहीं होऊंगा। दूसरी बात अगर हम बात करें बलात्कारियों की, तो सारे के सारे बलात्कारी, कुलदीप सेंगर ले लो आप, चिन्मयानंद ले लो आप, आसाराम ले लो, राम रहीम ले लो, या उसके अलावा राम दुलार गौंड ले लो, या बीएचयू के 3 आईटी सेल के जो पदाधिकारी थे, तीनों रेपिस्ट थे, या इनके मेघालय का एम नाबार्क ले लो जो 3 साल की बच्ची से बलात्कार का आरोपी है, या इनका शाहनवाज हुसैन ले लो जो पॉक्सो एक्ट का सामना कर रहा है, या इनका कैलाश विजयवर्गीय ले लो जो लगातार मध्य प्रदेश में अभी भी जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा है बलात्कार का, तो ऐसे अगर बलात्कारी भरे हुए हों तो मैं उस परिवार में अपने आप को शामिल नहीं कर सकता, ना मैं उस परिवार में अपने आप को शामिल मानता। उसके बाद आते हैं भ्रष्टाचारियों की बात। जब आप दूसरे के ऊपर उंगलियां लगातार उठाए जा रहे हो कि आप भ्रष्टाचारी हो, आप भ्रष्टाचारी, और उसके बाद अपनी पार्टी में उसको शामिल कर लेते हो, छगन भुजबल ले लो आप, नारायण राणे ले लो, उसके बाद आप चाहे शुभेंदु अधिकारी ले लो, चाहे तापस राय ले लो, चाहे उसके अलावा आप ये हेमंत बिस्वा सरमा ले लो या अजीत पवार ले लो, सारे के सारे इस तरह के जो भ्रष्टाचारी, जब आप इनके ऊपर उंगली उठाते थे ये लोग भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी, जैसे ही उन लोगों ने बीजेपी ज्वाइन करी है उनके केस खत्म होने शुरू हुए, उनके केस रफा दफा होने शुरू हुए। क्या बोले ऐसे लोगों के साथ में कभी शामिल? क्या बोले? गलत बोल रहे हैं जो है कि किसी को बदनाम करना। देखिए 10 आदमी 10 तरह का बात नहीं, ये इस तरह का बोलते रहेंगे, बोलने वाले बोलते रहे तो उन लोग उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। 10 आदमी 10 तरह का बात, तरह तरह का डिजाइन का बात बोलते हैं, डिजाइनर पत्रकार हैं या क्या है पता नहीं, बोलते रहते हैं, इनका बात पर ध्यान नहीं देते। नरेंद्र मोदी साहब जो आज कर दिया ना, आज जो हमारा भारत देश जो है ना चांद पर जा रहा है, सूरज पर जा रहा है, आज जो हमारा नरेंद्र मोदी साहब जो कर दिए, 370 खेल खेल में हटा दिए, आज वहाँ कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी, कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हो गई, आज जो है ना वहाँ पर कहा जाता था कि अगर कांग्रेस की समय में वहाँ पर जो है ना पत्थरबाजों की हाथ बंधी हुई थी, 500 रुपया दे करके, दिहाड़ी दे करके वहाँ पत्थरबाजी किया जाता था, अगर कोई भी ये पत्थरबाजों पर गोली चलाओगे, हमारी भारतीय सेना को सख्त से सख्त निर्देश था, कोई भी अगर भारतीय सेना पर अगर पत्थर चलाओगे तो तुम्हारे ऊपर FIR हो जाएगी। आज जो है मोदी की सरकार में उनके हाथ खोल दिए गए हैं, कोई भी अगर उल जुलूल काम करता है जम्मू कश्मीर हो या बॉर्डर में या कहीं भी, तो उसको जो है ना अगर एंट्री करता है, पत्थरबाजी करता है या फिर कोई उल जुलूल या बम विस्फोट करता है तो वही ठोक दो। ये है मोदी की सरकार। मोदी की सरकार में हमें सुरक्षा भी है, हमारी गारंटी भी है, हमारी विरासत भी मिल रही है हमें, तो सारा कुछ मोदी दे रहे हैं। आज खेल खेल में जो है नरेंद्र मोदी साहब राम मंदिर को रिपेयरिंग कर करके हमारा विरासत दे दिया। देखिए हम मरे हुए थे रिपेयरिंग कर करके, क्योंकि वो श्री राम प्रभु का पुत्र लव कुश द्वारा मंदिर निर्माण किया गया था, बनाया गया था हजारों साल पहले। विदेशी अटैकर आया, उसको मार करके तोड़ करके अपना स्टैंप लगा दिए, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब एक एक ईंट को दूरबीन से खोज करके, दूध और गंगा जल से शुद्धिकरण करवा करके, उसको जो है ना सोने की ईंट में ढलवा करके, और उसको विद्वान ब्राह्मणों से मंत्रोच्चार करवा करके, उसको एक एक ईंट को जो है ना वो ढलवा करके सोना में, एक मिनट को सोने में ढलवा करके, उसको जो है ना राम मंदिर को भव्य रूप से देने का कारण रिपेयरिंग करने का काम, रफू करने का काम, मरम्मत करने का काम, रिनोवेटेड करने का काम करके दिए हैं यहाँ का आवाम को। आज हम मरे
हुए थे। देखिए श्री राम प्रभु को हम लोग भी मानते हैं, राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे, तो श्री राम प्रभु को बोलते हैं ना कि जो जितना वर्ल्ड में जितना सुख है ना वो सिर्फ एकमात्र एक ही शक्ति दे सकता है, वो है सिर्फ राम। जो कि गुरबाणी भी कहती है कि राम राम जो है ना सब सुखों का देने वाले हैं, सब सुखदाता राम है, दूसरा ना ही कोई। क्या बोलेंगे सर? देखिए जी, मैं राम मंदिर इन लोगों के लिए सिर्फ एक चीज़ है, एक मुद्दा है इनके लिए, राम मंदिर, राम मंदिर। मैं उस चीज़ को किसी भी किस्म से राम मंदिर को ना मुद्दा मानता, ना मैं उसे देश की प्रगति में सहायक मानता। आस्था का मुद्दा अलग है, संवैधानिक देश है, जब से हमारा 1950 से संविधान लागू हुआ है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि संघ का संघ प्रदेश, राज्यों का संघ, ठीक है जी। और उसमें धारा अनुच्छेद में हमारे को धार्मिक आज़ादी दी गई है, अपने अपने धर्म को मानने की आज़ादी हमें सब 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 धर्मों को दी गई, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, कोई भी हो। उसके बाद लेकिन उसमें साथ साथ ये भी लिखा है कि सरकार किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करेगी, सरकार किसी भी धर्म के साथ मिलकर या उसके लिए पक्षपात नहीं करेगी। अगर ये इसको सरकार की उपलब्धि के तौर पे गिनते हैं तो मैं इसे बिल्कुल भी किसी किस्म से सरकार की उपलब्धि में नहीं गिनूंगा। रही बात राम मंदिर की, राम हमारे कण कण में व्यापी हैं, पहले भी हम राम को पूजा करते थे, अब भी राम को पूजा करते, राम मंदिर नहीं भी बना था तब भी हम राम का नाम लेते थे, अब बन गया अब भी राम का नाम लेंगे, आगे युग युग तक लिया जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इन लोगों के लिए राष्ट्र सर्वोपरि नहीं है, इन लोगों के लिए राम मंदिर सर्वोपरि है, मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं चाहता हूं कि राष्ट्र सर्वोपरि गिना जाए, ना कि मंदिर सर्वोपरि गिना जाए। सबसे पहले राजधर्म, उसके बाद दूसरा धर्म, बस मेरे तो इतना कहना। बात उन्होंने कहा मोदी जी के राज में चांद पर गए लोग, मोदी जी के राज में चांद पर कौन पहुंच गया? पहली बात तो चांद पर नहीं गया, लोग नहीं गए, सिर्फ एक यान पहुंचा है, चंद्रयान गया है। और उससे पहले जब ये मोदी जी के राज की बात करते हैं तो 2008 में ये भूल जाते हैं कि कांग्रेस का शासनकाल था, 2004 से 14 तक सबसे पहला चंद्रयान 2008 में गया था और जो सफल हुआ था। उसके बाद 2016 में जब दोबारा अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में गया है जो कि असफल हुआ था, तीसरी बार फिर मोदी जी के कार्यकाल में गया। लेकिन इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है, इन लोगों को 2014 से पहले का ना तो ये जानना चाहते, ना इन्हें बताया गया, और 2014 के बाद जो जो घटनाएं वो तो इनके सब सामने हैं, वो तो इनकी आंखों पर चलचित्र की तरह ऐसे चमका दी गई हैं कि इन्हें इनके अलावा कुछ नहीं दिखता। इन्हें 2014 से पहले का परमाणु परीक्षण नहीं दिखेगा, इन्हें 1974 का परमाणु परीक्षण नहीं दिखेगा जिसकी वजह से भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश हुआ, जो इंदिरा गांधी जी ने कराया था, ठीक है, वो इन्हें नजर नहीं आएगा। 1984 में हमारे प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए, वो इन्हें याद भी नहीं होगा, पता ही नहीं होगा कि हमारे यहाँ से कोई अंतरिक्ष यात्री भी स्पेस में जा चुका है, पता ही नहीं होगा, क्योंकि इन लोगों को सिर्फ एक पट्टी पढ़ा दी गई है 2014 के बाद से ये लोग पैदा हुए हुए हैं। आज 10 साल के बालक हैं, तो 10 साल के बालक से आप कितनी उम्मीद कर सकते हो? 10 साल का बालक लिमिटेड नॉलेज लेके घूमेगा, और उसके माँ बाप ने जो उसे पढ़ा दिया गया वही वो पढ़ के मानेगा, सीधी सी बात है। तो इन लोगों की हालत वो 10 साल के बालक वाली है, जिसे पता कुछ नहीं है, बड़ी मुश्किल से उसे अपनी चेन बंद करनी आई है, बड़ी मुश्किल से उसे अपना नाड़ा बांधना है, लेकिन वो कह रहा है मैं तो बहुत बढ़िया इंसान हूँ, मैं तो जेंटलमैन इंसान हूँ, ये सब चीज़ को भूल गए। या लगातार पीछे अगर उठा के देखें, इतिहास उठा के देखें, तो भाई साहब आप जरा सा 2014 से पहले भी चले जाओ, देश का कितना विकास हुआ, देश ने कितनी तरक्की करी, जिस वजह से आज आप दूध पी के बैठे हो सारे दिन घर में, आपको सुबह उठते दूध मिल जाता है, वो श्वेत क्रांति कांग्रेस की देन है। जब आप अनाज के लिए आज आत्मनिर्भरता होने का दावा करते हो, हमारे पास अनाज है अनाज है, वो हरित क्रांति का नारा किसने दिया था? कांग्रेस के टाइम में। साकार किसने करा? कांग्रेस के टाइम पे किसने करा था? ये सब चीज़ें जिस पे आप सीना चौड़ा करके घूमते हो कि हमारी सीमाएं सुरक्षित है, सीमाएं सुरक्षित करने का काम किसने करा? सबसे पहले इनको छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ ना, पहला जब हमारा बजट बना था मात्र 197 करोड़ रुपये का बजट था, 34 करोड़ की जनसंख्या पे 197 करोड़ का बजट, जिसमें से नेहरू जी ने 94 करोड़ रुपए रक्षा के लिए रखे गए थे, क्योंकि वो जानते थे देश सुरक्षित करना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और आज हमारा रक्षा बजट कहाँ है? पिछली बार से भी 2.5% घटा दिया गया है। और रक्षा हमारी किस तरह से मजबूत करी जा रही है? 17 लाख की हमारे सैनिक बल होता था, उसमें से 2 लाख पद तो भरे ही नहीं गए 2019 के बाद से, जिनके फिजिकल हो गए थे, एंट्रेंस हो गए थे, सब कुछ हो गया था, उसके बाद उन्हें अपॉइंटमेंट नहीं दिए गए, उनके अपॉइंटमेंट कैंसिल करके आज वो 4-4 साल के टेम्प्रेरी अग्निवीर भरे जाने, जिन्हें ढंग से ट्रेनिंग नहीं दी जाती, जिन्हें ढंग से पिस्तौल चलाना नहीं आता, जिन्हें ढंग से गोला बारूद की जानकारी नहीं है। आप इस तरह से पूरे विश्व में आज हमारी थूथू होती है कि कैसे टेम्प्रेरी लोगों से ये काम चला रहे हैं। और अभी पीछे देखा भी होगा कि 2 हमारे अग्निवीर शहीद हो गए थे, किस वजह से? प्रॉपर ट्रेनिंग ही नहीं थी, उन्हें पता ही नहीं था करना क्या करना क्या नहीं करना, उन्हें हथियार देकर भेज दिया, जाओ लड़ लो। यहाँ पूरी जनता खड़ी है, इनमें से किसी के हाथ में हथियार देकर भेज दो कि ये चला लेंगे? बिल्कुल नहीं। और जब सेना में परमानेंट ट्रेनिंग होती है, कम से कम 2 साल ट्रेनिंग चलती है, 2 साल तक, तो उसके बाद जाके लगातार फिजिकल ट्रेनिंग चलती है। और उनका टेन्योर कितना है अग्निवीर का? मात्र 4 साल, जिसमें से 6 महीने उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, 3.5 महीने कहीं इधर, 3.5 साल बचे इधर उधर पोस्टिंग कर जाएगी, और उसके बाद उनके दिमाग में क्या रहेगा? यार 4 साल बाद हमें तो जाना ही है, देश तो होता रहेगा, हमें काय को कुर्बानी। इतनी सारी उपलब्धियां कांग्रेस गिनवा दी, मोदी जी के 10 साल में क्या होगा? देखिए 3 चीज किया है कांग्रेस अपने जीवन काल में, सिर्फ तुष्टिकरण, परिवारवाद, जातिवाद, इससे ऊपर उठ नहीं पाया। अरे वो तो अपना प्रेसिडेंट तक चेंज नहीं कर पाया, सिर्फ घूम फिर करके जो है अपना प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, जब भी देखो यही प्रेसिडेंट बनते रहे हैं। तब जो है भारतीय जनता पार्टी जब खिंचाई, कान पकड़ के खिंचाई करना जब शुरू किया, तब जो खड़गे जी को जाकर के ही दिया है, प्रेसिडेंट बनाया है। आज जो है ना, देखिए
नरेंद्र मोदी साहब जो जो काम कर दिया ना, ये सपना में भी नहीं सोच सकते हैं। ये किए हैं काम, लेकिन सिर्फ कागज पन्नों, कागजी कार्रवाई में, ठीक है ना। और आज जो नरेंद्र मोदी साहब जो किए हैं, भारत जो है ना, मनमोहन सिंह यही प्रधानमंत्री 10 साल जो थे, 10 साल प्रधानमंत्री को रख करके पीछे में जो घोटाला किए हैं कांग्रेस वाले ना, वो सारा जग जानता है। ये मनमोहन सिंह जी कहते थे कि मनमोहन सिंह जी, एक मिनट रुको, मनमोहन सिंह जी कहते थे कि जो है ना, पेड़ पर जो है ना पैसे नहीं उगते हैं, देश के लिए जो रक्षा बजट जो है ना, उसमें पी चिदम्बरम जी जो है ना वित्त मंत्री थे, पैसे नहीं है देश के लिए रक्षा बजट के लिए, रक्षा सामान लाने के लिए, जेट विमान, फाइटर जेट, ये सब कहाँ से आएगा। तो जो है ना, बारूद के ढेर पर हमारा देश बैठा हुआ था। कब चाइना और पाकिस्तान अटैक कर देता है कोई गारंटी नहीं। खाली बात बड़ा बड़ा कर करके बड़बड़ बोलने से नहीं होता है। आज नरेंद्र मोदी साहब यहाँ जमीनी नेता है, जमीन से काम किए। आज देखिए, हमारे सेना के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट है ना, बुलेट प्रूफ गाड़ी, फाइटर जेट है ना, उसका अपाची हेलीकॉप्टर। आज जो है ना, तूती जो आतंकवादियों बम यहाँ जो है ना, दिल्ली में हर जगह अनाउंस होती थी, सावधान रहे, सीट के नीचे बम बारूद हो सकता है। आज जो है, आज कहीं भी बम फटती है तो बता दीजिए भारत तेरे टुकड़े होंगे बोला जाता था। आज अगर कहीं भी से भी आवाज आता है भारत तेरे टुकड़े होंगे, एक कांग्रेस वाले उनके गोद में जाके बैठ जाते हैं। आज जो है ना, ये पाकिस्तान परस्त लोग हैं, ये कहते हैं ये नरेंद्र, क्या नाम है उनका, सेकंड प्राइम मिनिस्टर थोपा हुआ, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये क्या कहते हैं, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे बोस थे, सेकंड प्राइम मिनिस्टर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, कहते हैं कि ये पाकिस्तान हमारा दिल है, इसको एक नजर देखो। क्यों? क्योंकि मैं इसको मैं ही बनाया हूं। आज हमारे हिंदुस्तान का फौजियों का जो है ना, 90% सिखों का योगदान है भारतीय हिंदुस्तानी फौज में 90%। जब भारत 1947 में जब देश आजाद हुआ था ना, तो असल में देश का बंटवारा नहीं हुआ था, ये पंजाब का बंटवारा हुआ था। 80% पंजाब जो है ना, पाकिस्तान के झोली में डालने का काम किया है कांग्रेस वाला। और आज जो है ना, 20% पंजाब जो है सिर्फ भारत में सिर्फ। और उसके बाद में ना, आज जो है ना, देखिए हमारे जो है ना असली अल्पसंख्यक जो है ना, वो सिख है। सिख को हमेशा वोट बैंक नहीं है सिख, इसलिए उसको ना बरगलाया गया, उसको धोखा में रखा गया, उसका असली हक से महरूम रखा गया। क्या बोले जवाब इनके, क्या दूंगी, तो पूरी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पीएचडी स्कॉलर हैं, ये कह रहे हैं 47 में नेहरू जी ने उनको दे दिया। सबसे पहली बात तो इनको ये नहीं पता कि धीराष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया था। इन्हीं के जनसंघ से पहले जो था वो हिंदू महासभा, और हिंदू महासभा से पहले आरएसएस का था माफी वीर सावरकर, और दूसरा था जिन्ना, जिन्होंने 1925 में पहले सबसे पहले द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया था कि दो राष्ट्र होने चाहिए। सावरकर ने अपने लिए हिंदू राष्ट्र की मांग करी थी, जिन्ना ने अपने लिए मुस्लिम राष्ट्र की मांग करी थी। और उसके बाद जब ये माहौल इतना खराब हो गया था, और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि सेकंड प्राइम मिनिस्टर, तो भाई साहब फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर तो पहले भी वही थे, जवाहरलाल नेहरू जी बने थे, अंतरिम सरकार में भी वही बने थे। और उसके बाद जब संवैधानिक चुनाव होने के बाद 1951 में चुनाव हुए, और उसके बाद 52 तक चले थे स्टार्टिंग से, तब भी प्रधानमंत्री वही बने थे। बोस जी की पूरी इज्जत है, पूरी इज्जत कांग्रेस ने भी करी थी, ऐसी बात नहीं, कांग्रेस के वो अध्यक्ष भी रहे हैं। रही बात पर सेकंड प्रधानमंत्री बोला, इन्होंने बोला ना, मैं इनके वही तो बता रहा हूँ, पीएचडी स्कॉलर है, जानकारी कुछ नहीं है, धेले की जानकारी नहीं, कि इससे पहले कभी भी चाइना हम पे अटैक कर देता था, कभी पाकिस्तान अटैक कर दे, पाकिस्तान ने अटैक करा 1947 में आजादी मिलने के फौरन बाद, 1948 का कबायली युद्ध हुआ, पाकिस्तान ने अटैक करा, नतीजा क्या निकला, मुंह की खानी पड़ी, बैंड बज गया। उसके बाद 62 में युद्ध हुआ, नतीजा क्या हुआ, चीन ने हमारे साथ हरकतें करी, ठीक है उसमें हम लोग हारे, लेकिन लड़के हारे, लड़ने के बाद हमारी उनके चीन ने जमीन कब्जाई। एक मिनट पाजी, हथियार, बिना हथियार के थोड़ी युद्ध लड़े थे 62 में, जो गया था हमारा, लड़के गया था बिना उसने का, यहाँ आज की डेट में जिसकी ये मोदी सरकार की इतनी तारीफ कर रहे हैं, घुटने टेक के 46,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन अरुणाचल में और तिब्बत में, लेह लद्दाख में चीन कब्जाए बैठा है। 19 सैनिक अभी हमारे गलवान घाटी में शहीद हुए थे, चीन ने अटैक करा था, किसने करा था, या कोई भूत प्रेत निशाचे आए थे, ठीक है। और उसके बाद 1965 का युद्ध जब हुआ पाकिस्तान के साथ, तब क्या हमने युद्ध कैसे, क्या गुल्ली डंडा खेल के जीता था, हथियारों के बल पर जीता था, लाहौर तक हम पहुंच गए थे शास्त्री जी, उसके बाद ताशकंद समझौता हुआ, तब उसके बाद पाकिस्तान पीछे हटा। उसके बाद 1971 का युद्ध, 1971 के युद्ध में फिर पाकिस्तान को धूल चटाई, देश के दो टुकड़े करे, ये भूल ही जाते हैं लगातार, क्योंकि इनको पहले का इतिहास नहीं पढ़ाया जाता, इन्हें सिर्फ ये पढ़ाया जाता है मोदी जी एक आए, अवतरित हुए, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कहते हैं आज अपाचे खरीद लिए, क्या उससे पहले हमारे पास हथियार नहीं थे, क्या 1971 में कानपुर में मशीन गन नहीं बनती थी, मैं इनको सबूत दिखा दूं, कानपुर की मशीन गन का आज तक भी इसका नाम है जबरदस्त गन फैक्ट्री है वहाँ पे, हाँ गन फैक्ट्री है, और कानपुर की जो मशीन गन थी गोविंद नगर के पास, हाँ जी, तो कानपुर की जो थी मैग, एक मिनट जरा दिखा देता हूँ मैं इनको सबूत, नहीं गन फैक्ट्री थे, हाँ जी, मैं कहता हूँ कांग्रेस आज तक खाली धोखा देने का काम किया देश को, मारने पीटने का काम किया है। ये जितना बोल रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेकर के आए हैं, व्हाट्सएप का ज्ञान इनके पास है, और खाली खाली ऐसे बकबक करने से नहीं होगा, ये जेन्युइन आपको बात करना पड़ेगा। 1984 में सिखों का हत्यारा कौन है, अकाल तख्त का गेट किसने तोड़वाया, सरोवर साहिब में किसने थुकवाया पान खा करके, गुरु ग्रंथ साहिब जी पर गोली किसने चलवाया, 40 साल हो गया आज तक सिखों को न्याय नहीं मिला, बताइए कौन सा ऐसा देश है जहाँ ये 40 साल तक प्रतीक्षा करना पड़ती है, आज भी
पकड़ नुमा कोर्ट में जो है ना केस चल रहा है 1984 का, हम कभी नहीं भूल सकते। करपात्री जी महाराज 1966 में गए थे कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए, एक भी गाय हमारी आस्था से जुड़ी है, एक भी गाय का हत्या नहीं होनी चाहिए, इस धरती पर खून गिरना नहीं चाहिए। आज गौ माता का हत्या के लिए जो है ना वो प्रोमिस कर दिए थे इंदिरा गांधी जी, 1966 की घटना है। करपात्री जी महाराज गए कि अब तो आप प्रधानमंत्री हमारे आशीर्वाद से बन गए, अब जो है ना गौ हत्या बंद करवा दीजिए। लेकिन वो बदले में मिला क्या, 10,000 निहत्थे साधु संतों भगवाधारी को तर-तर गोली चलवा के सबको जान से मरवा दिए। तो ये है कांग्रेस की मानसिकता, ये जानते हैं कि इसको मारो, यहाँ का सनातनियों को मारो पीटो, इनको पैर तले कुचलो, क्यों, क्योंकि ये दूसरे दिन भूल जाते हैं, हम भूलने की आदत है हमारी जी। अब ये बात इनकी साफ साफ साबित हो गई है, भाई साहब एक कम्युनल आदमी है, इनको धर्म के चश्मे के अलावा और इन्हें कुछ नहीं दिखता। इनसे सरकार के बारे में बात करी जाओ, ये सरकार के बारे में जवाब नहीं देंगे। पहले इन्होंने बात कर दी राम मंदिर की, अब दूसरी बार आ गए सिखों को लेकर। अगर सिखों को इतनी नाराजगी थी तो पंजाब में भाई साहब सिखों ने सरकार क्यों बनाई, कांग्रेस की सरकार थी या नहीं थी जिसकी ये बात करने के भारत में कुछ नहीं बनता था। ये रहा कानपुर की मैग मशीन गन, आज भी ये अखबार हिंदुस्तान की छपी हुई खबर है, 1971 की युद्ध में मैग मशीन गन बनी थी हीरो, जिसकी ये बात कर रहे हैं। और उसके बाद क्या हमारे मिग नहीं खरीदे, 21 नहीं खरीदे, मिराज नहीं खरीदे, क्या नहीं खरीदा था हमने, किस हमने चीज को अवॉइड करा, युद्ध हमने सारे लड़के ही जीते ना, गुल्ली डंडा खेल के या टॉस करके तो नहीं जीते कि आ जाओ आप तुम ले जाओ या तुम ले जाओ, कोई बात नहीं जो जीता वो सिकंदर है। ये बात कर रहे हैं कि बिल्कुल ऐसी डीमोरलिटी की बात कर रहे हैं। रही बात इनको ने, चलो सिखों के दंगों की, मैं इनमें जख्म है, कुरेदना नहीं चाहता किसी भी किस्म से, किसी भी किस्म से नहीं कुरेदना चाहता, किसी को भी बुरा लग सकता है। लेकिन उसकी भी बात अगर ये करते हैं तो क्या आज वो टाइटलर जेल में नहीं है, क्या सज्जन कुमार जेल में नहीं है, बताइए है ना जेल में, लगातार उन लोगों के जिन्होंने हत्या करी उन लोगों को जेल में डाला गया और जो पीड़ित थे उनको मुआवजा दिया गया। और ये आज इन जैसे लोग जो हैं जो उस घाव को लगातार कुरेदते हैं, खत्म नहीं करना चाहते उस घाव को, ठीक है भाई साहब हमें भी दुख होता है जो हुआ, किसी के साथ भी हो, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, चाहे हमारे हिंदू हो, जिसके साथ भी गलत हुआ और दूसरी कम्युनिटीज के साथ गलत कर रही है। सबसे पहली चीज तो ये गलत है कि दो कम्युनिटी भारत की आपस में लड़ें, और उसके बाद जो भी पीड़ित कम्युनिटी है उसके साथ मैं हमेशा सहानुभूति के लिए हमेशा खड़ा हुआ हूँ। सिखों के साथ भी हम खड़े हैं, मुसलमानों के साथ भी हम खड़े हैं, और अगर मेरे हिंदुओं के साथ भी कुछ होता तो मैं उनके लिए भी खड़ा हूँ। लेकिन उन सबसे ऊपर भी हमारा राष्ट्र है, सबसे ऊपर इन आपसी झगड़ों को बुला के हमें देखना कि राष्ट्र प्रगति कहाँ कर रहे हैं हमारी। अगर इसी चीज में उलझे रहोगे, राष्ट्र के नाम को भूल जाओगे कि सिखों के साथ ये हुआ उसके साथ ये हुआ, तो भाई साहब आज 40 साल हो गए सिख दंगे हुए हुए, आप कभी जिंदगी में उन चीज़ों से बाहर ही नहीं निकलोगे। ठीक है जो बिल्कुल हुआ, जिनके साथ हुआ गलत हुआ, 100% गलत हुआ, खुल के कहता हूँ, खुल के विरोध करता हूँ। और इस मामले में जो जो दोषी थे उन लोगों को सबको सजा हुई है, आज भी सज्जन कुमार जेल में है, टाइटलर भी जेल में है, और ये कहते हैं कि मुकदमा चल रहा है, जाहिर बात है मुकदमा चल रहा है, मुकदमे चलते हैं, सबूतों के साथ जैसे जैसे सबूत सामने आ रहे हैं फैसले होते जा रहे हैं और लोग जेल जाते जा रहे हैं। अगर इस बात में कोई सबूत नहीं होते और जेल नहीं जा रहे होते लोग तो मैं भी कहता कि हाँ ये बात गलत हुई। रही बात इन जैसे कुछ लोग जो हैं जो कहते हैं ऐसा हुआ वैसा हुआ गलत हुआ ये हुआ वो हुआ, बिल्कुल ये जख्म कुरेदने वाली बात है। जब एक चीज कोई भी हो जाती है, हमारे घर में भी मौत होती है, हमारे घर में भी मौत होती है, किसी बड़े बूढ़े की मौत होती है, हम 12-15 दिन बाद 20 दिन तक रहते हैं सदमे में रहते हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे बुला के हमें आगे ही देखना होता है ना, तो हम ये सारी चीजें आगे बुला के क्यों ना देखें। हाँ जी, अभी जो किसानों पर MSP की मांग कर रहे हैं उन्हें क्या लगता है, सही मांग है वो, मोदी जी उसमें समझ लेंगे, हम लोग को उसमें बोलने की जरूरत नहीं, मोदी साहब हैं काबिल हैं, वो समझ लेंगे, उसमें हम लोग को बोलने की जरूरत नहीं।